हेलो नमस्ते सस्का राधे राधे राम राम पर नाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने से व्यूवर्स, कैसे हो? ठीक हो ना? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था परी एंड ईशानी लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि परी जो होती है वो बहुत रोने लगती है और ईशानी मैम को कहते हैं कि ईशानी मैम मैंने आपको बोला था अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बगैर, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ समझो इस बात को। तो परी ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ईशानी ऐसे उसे हक करते हैं, उसके आंसू पहुँचते और कहती है ईशान प्लीज़ मत रोना, देखो अगर तुम रहोगी तो मैं भी रोने लग जाऊँगी, तुम्हें मेरा पता ही है ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ जान तुम्हारे आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते। तो परी कहती हाँ तो फिर क्यों रुला रही हो, मुझे क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के, जबकि पता है आपके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी, अरे आपके बगैर तो मैं एक मिनट नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मत जाओ ना, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, सुना आपने, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो ईशानी जो होती है वो उसे किस करती है, कहती है बेबी प्लीज़ रिलैक्स, मैं नहीं जाऊँगी, हाँ तो तुमने ठीक बोला, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा रहूँगी तुम्हारे साथ हमेशा, ओके मैं जाती हूँ, हाँ मैं दादू को समझाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा जान, प्लीज़ रोना बंद करो, ऐसे बोल के उसे किस करती है और फिर बाहर चले जाती है। वो रूम के बाहर आती है तो उसकी आँखें खुद आंसू से भरी होती है, पहले वो खुद को संभालती है, थोड़ा अपने आंसू को साफ करती है और कहती है कि अगर मैं ही रोऊँगी तो फिर मेरी परी को कौन समझाएगा, अभी तो मुझे दादू से भी बात कर रही हो कि दादू ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, उन्हें पता है मैं शहर छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। तो ऐसे बोल के ईशानी गहरी थोड़ी सांस लेती है और फिर अपने आंसू फिर से साफ करती है और कहती है कि नहीं मुझे अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना होगा, इतनी आसानी से उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ऐसे बोल के वो दादू के पास जाती है, देखती है कि दादू नीचे बैठे हैं परी की मम्मा के साथ। तो ईशानी वहाँ जाती है और कहती है कि दादू मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो दादू कहते हैं हाँ बोलो। तो ईशानी कहती है दादू आपको अच्छे से पता है मैं अपना शहर अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, फिर भी आपने ये बात कैसे कर ली? तो दादू कहती मैं तुमसे पहले भी इस टॉपिक पर बात कर चुकी हूँ, मैं दोबारा इस टॉपिक में तुमसे बात नहीं करूंगी, मैंने बोला ना हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं मेरी बहन के घर जा रही हूँ और ये बात फाइनल है और तुम भी मेरे साथ जा रही हो। ईशानी बोलती ठीक है आपको यहाँ से जाना है ना आप जा सकती हैं, बट मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और किसी एक घटिया इंसान के लिए मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ? तो उसके दादू कहते तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ईशानी बोलती नहीं मानूंगी और इस बात मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी, आप हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हूँ और मैं भी आपकी बातों में आ जाती हूँ, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। दादू मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तो दादू खड़ी होती है और कहती है कि हर बच्चे को ऐसे क्यों लगता है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अपना ख्याल खुद रख सके, तुम अभी भी छोटी बच्ची हो और जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, हम यहाँ से जा रहे हैं तो मतलब जा रहे हैं। तो ईशानी कहती दादू प्लीज़ आप समझो ना मैं नहीं जा सकती यहाँ से। दादू कहती क्यों नहीं जा सकती? हाँ तो ईशानी कहती जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ, अरे मेरा कॉलेज है मेरा फ्यूचर है यहाँ पे। उसके दादू कहते मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा फ्यूचर क्या है और मुझे तुम्हारा वो फ्यूचर बिल्कुल नहीं पसंद, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ईशानी बोलती ठीक है अगर आप अपनी जिद पे हैं तो मैं भी अपनी जिद पे हूँ, मैं इस बार आपकी बातों में नहीं आने वाली और अपना घर छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपको जहाँ जाना है आप जा सकती हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के गुस्से से घर के बाहर चली जाती है। दादू कहते हैं ये बच्चे खुद को समझते क्या है, हाँ थोड़े से बड़े हुए नहीं कि खुद को महान समझने लग जाते हैं, हम तो जैसे बेवकूफ़ है ना यहाँ पे, बड़ों की बात तो इन्हें ना सुननी होती है ना समझनी होती है, बड़े तो हैं ही पागल, वो तो जो बोलते हैं बस बोलने दो उन्हें, हम तो अपनी मर्जी करेंगे ना। तो ऐसे बोल के थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। तो परी की मम्मा जो होती है वो वहाँ बैठी होती है और वो दादू को पकड़ के बिठाती है, कहती है कि आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ रही हूँ, आई एम सॉरी मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, बट ईशानी भी ठीक कह रही है उसका फ्यूचर है यहाँ पे उसका घर है यहाँ पे, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जिस घर में वो इतने सालों से रह रही है वो उस घर को छोड़ के कैसे जा सकती है, आप इस बात को समझिए, आपको उसे समझाना भी है तो आपको प्यार से डील करना होगा, इस तरह गुस्से से तो कोई बच्चा भी बात नहीं मानता। तो वो कहती है बाप मुझे समझाएंगे कि मुझे अपनी बेटी से कैसे बात करनी है, इतने सालों से मैं उसे समझा रही हूँ उसे संभाल रही हूँ तो आगे भी मैं संभाल सकती हूँ। तो ऐसे दादू बोल के उन पे भी गुस्सा कर देती है और ऊपर रूम में चली जाती है, रूम में जाते ही वो परी का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम चाहती क्या हो, हाँ क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से पता है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे रहना चाहती है, तुम्हारी वजह से इस शहर छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन एक बार तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो मैं ईशानी को यहाँ से लेके जाऊंगी तो मतलब लेके जाऊंगी और तुम भी मुझे नहीं रो पाओगी, जो तुम्हें करना है कर ले।
तो ऐसे बोल के दादा जाने लगती है। पर ये कहती ठीक है आप भी मेरी बात सुन ले, मैं ईशानी मैम को कहीं नहीं जाने दूंगी, सुना आपने, आपको जो करना है कर लो, ईशानी मैम मेरी है और मेरे साथ ही रहेंगी। तो परी भी बोल के बाहर चली जाती है। दादू को बहुत गुस्सा आता है, ना परी उनकी बात समझ रही होती है ना ईशानी। तो दादू रोते हुए कहते हैं कि मैं कैसे इन बच्चियों को समझाऊँ कि मैं क्यों ईशानी को यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ, कैसे समझाऊँ कि ईशानी यहाँ पर नहीं रह सकती। तो दादा से बोल के रोने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, वो बस हर हाल में ईशानी को यहाँ से लेके जाना चाहती होती है, बट क्यों ये तो खैर हमें अभी तक नहीं पता। और वहाँ ईशानी जो होती है वो गुस्से से घर के बाहर आ चुकी होती है, मतलब गाड़ी वगैरह कुछ नहीं लेती क्योंकि कीज तो रूम में होती है, वैसे पैदल ही बाहर निकल आती है और बस पागलों की तरह चली जा रही होती है। वो बहुत गुस्से में होती है, उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है, आंखें गुस्से के मारे रेड रेड हो रही होती है और साथ साथ आंसू भी आ रहे होते हैं। और कहती है कि दादू खुद को समझती क्या है, बढ़िया तो मतलब कुछ भी करेंगी, मेरी लाइफ का डिसीजन वो कैसे ले सकती हैं यार, हर डिसीजन तो बचपन से लेके आज तक उन्होंने मेरा लिया है और मैंने हर बात मानी है, बट ये बात तुमने मेरी माननी चाहिए ना, मेरा प्यार है, मैं अपने प्यार को छोड़कर कैसे जाऊँ। वो क्यों नहीं समझ कि मैं नहीं जा सकती परी को छोड़ के, मैं नहीं जाऊंगी उसे छोड़ के, कभी नहीं जाऊंगी। तो ईशानी ऐसे बोलते बोलते रोते हुए मतलब रोड पे चल रही होती है, तभी पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है और वो गाड़ी उसे ऐसे टक्कर मारने वाली होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोड की साइड पे खींच लेता है, वो फुटपाथ पे खड़ा कर देता है उसे। तो ईशानी ऐसे उसे देख रही होती है, मतलब उसके फेस पर ना एक मास्क सा लगा होता है, वो जैसे उस मास्क को हटाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जब उसका हाथ पकड़ता है तो ईशानी देखती है कि उसके हाथ पे भी सेम वही बटरफ्लाई का टैटू होता है जो उसने वहां पे देखा होता है। तो ईशानी को लगता है कि ये वही है, तो उसे कहती है कि कौन हो तुम तो वही हो ना जो मुझे फॉलो कर रहे थे। तो वो कहती है कि चेहरा दिखाओ मुझे। तो ईशानी ऐसे बोल के फिर से उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है, तभी वो ईशानी का हाथ पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और ईशानी जो होती है वो फुटपाथ पे ऐसे गिर जाती है। और जब वो गिरी होती है तो परी भाग के आती है, उसे उठाती है कि ईशानी मैम आप क्या क्या करे हो और आपको लगी कैसे। तो ईशानी को उठाती है और ऐसे उसे देखने लग जाती है कि कहीं लगी तो नहीं, तभी ईशानी कहती है कि छोड़ो मुझे और ईशानी ऐसे उस लड़के के पीछे भागने लग जाती है। तो परी भी उसके पीछे भाग रही थी, कहती ईशानी मैम कहाँ जा रहे हो, सुनो तो सही क्या हुआ है, किसके पीछे भाग रहे हो। और ईशानी बस उसे पकड़ना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, वो समझती है कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से मुझे मेरा घर मेरा शहर अपने परी को छोड़ के जाना पड़ रहा है। वो बहुत गुस्से में होती है, बस उसको पकड़ना चाहती है, उसे पूछना चाहती है कि भाई साहब कौन हो, क्यों मेरा मुझे फॉलो कर रहे हो, क्यों मेरे घर पे अटैक किया। और ईशानी बस उसे पकड़ने वाली होती है, तभी परी ईशानी का हाथ पकड़ती है, कहती क्या पागल वाली हरकतें कर रहे हो, रोड पे क्यों भाग रहे हो। तो जैसे वो परी ईशानी को पकड़ती है तो वो इंसान वहां से भाग जाता है। ईशानी गुस्से में परी को कहती है क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों रोका मुझे, मैंने पकड़ ही लिया था ऑलमोस्ट उसे। परी कहती पागल हो, हाँ क्यों रोड पे भाग रहे हो, कुछ हो जाता तो। ईशानी कहती मैं उसको पकड़ने के लिए भाग रही थी, यू इडियट। परी कहती आपने मुझे इडियट बोला। ईशानी बोलती हाँ क्योंकि तुम बहुत बड़ी इडियट हो, डफर गई थी, अगर मुझे पकड़ लेती तो शायद मुझे शहर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। परी कहती व्हाट, क्या मतलब क्यों बोल क्या रहे हो। ईशानी बोलती ये वही है जो मुझे फॉलो कर रहा था, शायद इसने मेरे घर पे अटैक किया था, इसने दादू पे अटैक किया था, इसलिए मैं उसे पकड़ रही थी, इसलिए मैं भाग रही थी। परी कहती हाँ वो सब ठीक है लेकिन आपको कुछ हो जाता तो। ईशानी कहती यार तुम क्या चीज हो यार, मैं भगवान कहाँ फंसा रही है मुझे, क्या करूँ, आई विश मैं उसे पकड़ लेती तो शायद सब ठीक हो जाता, बट नहीं तुमने सब खराब कर दिया, पकड़ ही लिया था यार मैंने उसे। परी कहती ठीक है आई एम सॉरी, बट आपने मुझे गाली दी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो परी ऐसे बोल के जाने लगते हैं। ईशानी कहती मैंने कब गाली दी यार। परी कहती अच्छा ये इडियट डफर क्या क्या होता है। ईशानी बोलती अरे वो तो फ्लो फ्लो में मुझसे कभी कभी निकल जाता है ना, आई एम सॉरी। परी कहती ठीक है कल को मुझे और भी गाली दे दोगी है ना, फिर कहोगी फ्लो फ्लो में निकल गई, जा यार जो इज्जत नहीं कर सकते वो प्यार भी नहीं कर सकता। तो परी ऐसे हाथ छुड़वा के भागने लगती है। तो ईशानी कहती है यार बाबू सुनो तो, आई एम सॉरी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज तंग नहीं करो, सुन तो लो। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं सुनती और बस वहां से गुस्से से जा रहे होते हैं। तभी ईशानी पीछे से उसके पास आते, उसका हाथ पकड़ती है, कहती रुको एक सेकेंड क्या भागे जा रहे हो। हाँ परी कहती मैंने नहीं बात करनी आपसे, गाली देती हो यार मुझे। ईशानी कहती ठीक है आई एम सॉरी प्लीज रोना बंद करो, प्लीज प्लीज जानी हो मेरी। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के आंसू साफ करती है। परी कहती कोई जान नहीं हूँ मैं तो इडियट हूँ ना, मैं तो डफर हूँ ना। ईशानी बोलती अरे नहीं मैं इडियट हूँ, मैं डफर हूँ, मेरी जान इडियट डफर नहीं है, आई एम सॉरी प्लीज प्लीज रोना बंद करो। हाँ तो ईशानी ऐसे बोल के परी के आंसू पहुँचती है और उसे हक कर लेती है, कहते आई एम सॉरी ना। तो परी भी ईशानी को हक करती है, कहती सोके बट नेक्स्ट टाइम गाली नहीं देनी। तो ईशानी कहती ओके बाबा नहीं दूंगी, आई एम सॉरी वो गलती से हो गया था, मैं पता है कितनी मुश्किल से उसे पकड़ा था मैंने और आपकी वजह से वो भाग गया तो गुस्सा आ गया ना, आई एम सॉरी। परी कहती मी टू। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे
मतलब फुटपाथ पे खड़े होते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी निशाने को पीछे से मतलब ऐसे फील होता है कि जैसे मतलब वही गाड़ी आ रही है, मतलब ऐसे अचानक से उसकी नज़र पड़ती है ना, तो उसे लगता है शायद ये वही गाड़ी है। तो निशानी जैसे उस गाड़ी की तरफ थोड़ा सा ऐसे गौर से देखती है तो ये वो गाड़ी नहीं होती। परी कहती क्या हुआ? निशानी कहती नहीं, मुझे लगा शायद ये वही गाड़ी है जो हमें फॉलो करती है। तो परी कहती रुको। तो परी ऐसे झांक के कहती नहीं, ये वो गाड़ी नहीं है। निशानी कहती हाँ दिख गया मुझे, कोई और ही है। जब से उस गाड़ी ने फॉलो किया है हर टाइम बस उसी के ख्याल आते हैं कि कहीं वो फॉलो तो नहीं कर रही। तो परी कहती वो इंसान कौन था? निशानी बोलती बताया तो, उसके हाथ पे भी वही सेम टैटू था, शायद ये वही इंसान था। परी कहती आर यू श्योर? निशानी कहती आई डोंट नो। परी कहती अच्छा ठीक है, लेकिन वो इंसान यहाँ पे क्या कर रहा था? निशानी कहती रुको पूछ के आती हूँ। हद है, क्या जान तुम भी, मुझे क्या पता। मैं चल रही थी, गाड़ी से टक्कर होने वाली थी, उसने हाथ पकड़ के बचा लिया, और पहले बचाया और फिर धक्का भी दे दिया। परी कहती व्हाट, उसने आपको बचाया? निशानी बोलती हाँ स्ट्रेंज ना, अगर मुझे हर्ट करना चाहता था तो उसने मुझे बचाया ही क्यों? परी बोलती शायद ये आपको हर्ट ना करना चाहता हो। निशानी बोलती लेकिन फिर वह मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? अगर मुझे नहीं हर्ट करना था तो मेरे घर पर क्यों आया और दादू को क्यों हर्ट किया? परी कहती ओ माई गॉड, ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आ रहा। निशानी बोलती हाँ वही तो, दिमाग घूम गया बट कुछ समझ नहीं आया। तो परी कहती कि एक और बात बोलूँ? तो निशानी बोलती जी मैडम बोलें। परी कहती दादू नहीं मानेगी, वो आपको लेके जाके ही रहेंगी यहाँ से, तो मेरा क्या होगा फिर? निशानी कहती पहले रोना बंद करो, क्या आप छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हो? परी कहती आप मुझे छोड़ के जा रहे हो और मैं रोऊं भी ना। निशानी बोलती अरे जा नहीं जा रही छोड़ के, दादू को मैं मना लूंगी, तुम टेंशन ना लो। परी कहती वो नहीं मानेंगी। तो निशानी बोलती अरे जान वो मेरा मसला है ना, हाँ तुम चिल करो ओके। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी निशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ती है और कहती चलो यहाँ से। तो लोग ऐसे ही रोड पे चल रहे होते हैं, तभी निशानी परी कहते हैं कि आइसक्रीम खाओगी? तो परी कहती खाऊंगी। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो एक शॉप पे जाते हैं और निशानी जो होती है इन दोनों के लिए आइसक्रीम लेती है। तो आइसक्रीम के बाद ये लोग ऐसे आइसक्रीम खाते हुए ऐसे रोड पे चल रहे होते हैं, इन दोनों के हाथों में हाथ होता है, ऐसे टहलते हुए आ रहे होते हैं। तभी ना मतलब पीछे से कार का हॉर्न आता है और निशानी ऐसे पीछे पलटती है और परी कहती रिलैक्स, ये वो कार नहीं है। निशानी कहती हाँ आई नो। तभी परी ऐसे जब सामने की तरफ वापस टर्न करती है ना, तो उसे सामने शीशे से मतलब ऐसे किसी कार का ना दिख रहा होता है। तो जब वो गौर करती है कार का नंबर, तो ये वही कार होती है जो निशानी को फॉलो कर रही होती है। नंबर सेम होता है लेकिन अब कार का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। तो परी कहती क्या ये उसी इंसान की होगी जो हर टाइम निशानी मैम को फॉलो करता है? नंबर तो वही सेम ही है, गाड़ी भी शायद सेम ही है, जस्ट कलर चेंज है। बेवकूफ़ खुद को कुछ बहुत बड़ा 30 मार्क का समझता है। आज मैं इसे अच्छे से बताऊंगी। तो परी ऐसे कुछ सोचने लग जाती है, तो निशानी परी का हाथ पकड़ती कहती क्या हुआ चलो ना। परी कहती हाँ चलते हैं। तो दोनों ऐसे स्लोली स्लोली चल रहे होते हैं, तभी परी निशानी को ऐसे बाय बोलती है, ऐसे ना हाथ से वेव करती है। निशानी कहती क्या बाय बोल रही हो, कहाँ जा रही हो? तो परी कहती है कि मैसेज करूँगी देख लेना। निशानी कहती वॉट? परी कहती मैसेज। तो परी ऐसे बोल के पास में मतलब एक गली होती है, उस गली में टर्न कर जाती है, वहाँ पे ना चिपके बैठ जाती है। और निशानी जो है वो अपना मोबाइल निकालती है, परी को मैसेज करती है कि जान क्या हुआ? तो परी कहती वही गाड़ी आपको फॉलो कर रही है। निशानी कहती वॉट? परी कहती पीछे मत देखना। निशानी बोलती अच्छा ओके, तुम कहाँ हो? परी कहती मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रही हूँ। निशानी कहती नहीं प्लीज़ फॉलो मत करो, अगर उसके पास कुछ हुआ उसने तुम्हें हट कर दिया तो। परी कहती हट नहीं करेगा, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना। तो उसके बाद परी जो होती है ना वो फ़ौरन से उस पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करती है और उसे कहती है कि निशानी मैम पे फिर से अटैक हुआ, प्लीज़ जल्दी से इस जगह पे आ जाओ। ताज़ा बोल के कॉल कट कर देती है और वो पुलिस वाला जो होता है वो भी जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। वो रास्ते में होता है, परी से बार बार कॉल कर रही होती है, वो कहते आ रहा हूँ, अब हेलीकॉप्टर तो हमें देती नहीं है सरकार के, मैं उड़ के आ जाऊँ? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है जल्दी आओ। तो वो भी थोड़ी देर में आ जाता है और वो परी जो होती है निशानी को बोलती है बस ऐसे रोड पर चलती रहो। निशानी कहती क्या है पागलों की तरह चलाई जा रही है? परी कहती चलती रहो ना। तो वो कहती है ओके। तो तभी परी जो होती है वो ऐसे ही देखती है कि सामने बहुत ट्रैफिक है। तो वो निशानी कहती है कि ट्रैफिक वाली जगह में जाओ। तो वो निशानी कहती है वॉट? परी कहती है जाओ तो सही, हमने उसकी गाड़ी को फंसाना है। तो निशानी कहती है ओके। तो वो ट्रैफिक में घुस जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जाम होती है और उसके पीछे उस मतलब जो फॉलो कर रहा होता है ना उस इंसान की गाड़ी के पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लग जाती हैं। और जैसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगती हैं ना, तो परी देखती है कि वो पुलिस वाला भी आ गया, वो पीछे ट्रैफिक में रुका हुआ है। तो परी उसे कॉल करती है, कहती है मैंने आपको देख लिया, अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दो, बाहर निकलो। वो कहते बॉट, वो कहते निकलो ना। तो वो आता है और वो परी से कहती है कि सीधा सीधा थोड़ा राइट पे थोड़ा लेफ्ट, तो ऐसे उसे ना उसी गाड़ी के बिल्कुल पास आके खड़ा कर देती है। तो इंस्पेक्टर की आदत होती है वो यूनिफॉर्म कम नहीं पहनता, उस दिन भी उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना होता, वो कलर्ड में होता है, तो कहीं से भी नहीं दिख रहा था कि वो पुलिस वाला है।
तभी परी उसे कहती है कि हाँ यही गाड़ी है, अब इस गाड़ी वाले को ना शीशे को नोक करो। तो वो शीशे को नोक करता है, जैसे वो शीशा नीचे करता है ना, तो पुलिस वाला ऐसे उसके कॉलर से उसे पकड़ लेता है और गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। कहता है निकल, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी शानी को हट करने की, हाँ क्यों उसे फॉलो कर रहा था। तो ऐसे बोल के उसे मारने लग जाता है। तभी पीछे से परी आ जाती है, कहती कि घटिया इंसान क्या बोला मेरी शानी, इसकी तो मैं इसका ही मुंह तोड़ दूंगी। तो वो ऐसे बोल के उस इंसान को मारने लग जाता है। वो माफिया मांगते, कहते सर मैं साहब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा साहब, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ साहब, ये तो बहुत एक्टिंग कर रहा होता है। तो पुलिस वाला रोड पर उसे मार रहा होता है। तभी पीछे एक और आदमी आता है, उसे नहीं पता होते पुलिस वाले, तो वो कहते कि हाँ भाई साहब क्यों मार रहे इस मासूम इंसान को। तो वो कहता मासूम, हाँ तुझे भी जेल में डाल दूंगा आया बड़ा मासूम का। तो ऐसे उसे भगा देता है और उस लड़के को बहुत मारता है। वो एकदम मतलब यंग सा लड़का लग रहा होता है। तभी परी ईशानी को मैसेज करती है कि आ जाओ। तो ईशानी भी निकल के आ जाती है उसी गाड़ी के पास, वो परी के पास खड़ी होती है। परी कहती है कि देखा यही था जो आपको फॉलो कर रहा था। तो ईशानी ऐसे उसको देखती है, वो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होता है, मासूम सा यंग सा लड़का ऐसे मतलब 18-19 साल का, ज़्यादा उसकी एज भी नहीं थी, बहुत ऐसे लो स्टैंडर्ड का लग रहा था, जैसे कोई ड्राइवर टाइप नहीं होता मासूम सा, वैसा था वो। तो ईशानी ऐसे उसे देखती है और कहती है कि छोड़ दो इसे, ये वो नहीं है। तो परी कहती है व्हाट, ईशानी कहती है हाँ ये वो नहीं है, ये वो कैसे हो सकता है, वो था जिसने मुझे गाड़ी से ठुकने से बचाया था और वो इतनी जल्दी गाड़ी लेके नहीं आ सकता, मतलब ये वो नहीं है और इसके हाथ पर कोई टैटू भी नहीं है देखो। तो ईशानी ऐसे बोल के उस लड़के का हाथ पकड़ती है। तो परी फौरन से ईशानी का हाथ छोड़ाती है, कहती इसका हाथ क्यों पकड़ा है परी के। तो ईशानी बोलते नहीं मैं दिखा रही हूँ जस्ट, इसके हाथ पे वो टैटू नहीं है, ये वो नहीं है। तो परी कहती है लेकिन नंबर देखो, गाड़ी का नंबर भी वही है, गाड़ी भी वही है, जस्ट कलर चेंज है गाड़ी का। तो परी जो होती है अपना मोबाइल निकालती है, वो पिक निकालती है जो उसने पहले उस आदमी की उस गाड़ी के साथ दी थी। कहते ये देखो ये वो आदमी और ये देखो गाड़ी, सेम वही गाड़ी है, वही नंबर है, जस्ट कलर चेंज है। तो इंस्पेक्टर जो होता है वो पुलिस मतलब पुलिस वाला जो होता है वो उस लड़की को मारता है और कहता है कि बताइए गाड़ी किसकी है, चोरी की है तूने। कहता नहीं साहब मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे मालिक की गाड़ी है ये वो। तो बहुत रोने लग जाता है कि साहब मुझे मत मारो, ये वो मेरी जॉब चली जाएगी। तो वो कहता है कि तेरा मालिक का नाम क्या है, उसके मालिक का नाम पूछता है। कहता ले चल मुझे उसके पास। तो परी और ईशानी वो उसके साथ साथ चले जाते हैं, तो वो सीधा अपने मालिक के घर लेकर चला जाता है। तो इंस्पेक्टर वाला जो होता है जैसे वो बेल देता है, तो उस घर का जो ओनर होता है वो बाहर आता है। तो वो पूछता है कि ये बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है ये तुम्हारी है। तो वो कहते हैं हाँ साहब मेरी है, क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि तेरी गाड़ी है। तो ऐसे बोल के उसे मतलब थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लग जाता है। तो वो कहते हैं साहब हुआ क्या, मार क्यों रहे हो, कौन। तो वो कहते हैं मैं पुलिस वाला हूँ। तो वो कहते हैं साहब पुलिस वाले हो तो मारोगे क्या, मार क्यों रहे हो साहब, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। तो वो कहते हैं अभी बता दो तूने क्या किया, हाँ तेरी गाड़ी क्यों फॉलो कर रही थी इस मैडम को, बता क्यों इसे फॉलो कर रहा था। तो कहते सर मैंने फॉलो नहीं किया, और मेरी गाड़ी तो आज ही मेरे ड्राइवर लेके आ रहा है शोरूम पे, दी हुई थी मैंने पिछले हफ्ते से, आज ही मुझे रिसीव होने वाली थी और आप ही लेके आए हो सर मेरी गाड़ी, कसम से मेरी गाड़ी मेरे पास थी ही नहीं, मैं कैसे किसी को फॉलो कर सकता हूँ। तो ईशानी उसके हाथ पे भी टैटू देखती है, उसके हाथ पे भी कोई टैटू नहीं होता। तो वो पुलिस वाले कहता था अच्छा कौन से शोरूम पे थी। तो वो शोरूम वाले का नंबर लेता है, उसे कंफर्म करता है और कहता है कि ये ठीक बोल रहा है, इसकी गाड़ी शोरूम में ही थी। तो ऐसे बोल के ये लोग उस घर से बाहर आ जाते हैं। तो परी कहती मतलब शोरूम से ही गाड़ी किसी ने उठाई और उसी गाड़ी पे फॉलो किया जा रहा था ईशानी मैम को, मतलब शोरूम वाला मिला हुआ हो सकता है। तो ईशानी कहती नहीं शोरूम वाला मिला हुआ नहीं होगा, वो किसी भी शोरूम वाले को अपने साथ नहीं मिलाएंगे। तो परी कहते लेकिन शोरूम से ही गाड़ी उठी है ना, शोरूम में कोई तो ऐसा होगा जो उनके साथ मिला हो। ईशानी कहती है हाँ हो सकता है। तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर से परी कुछ कहती है और फिर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तो ईशानी कहती है कि जान तुम इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, मैं तुम्हें जितना इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ तुम उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ रही हो। परी कहती क्यों ना पढ़ूँ, हाँ आपकी सेफ्टी का मामला है और जहाँ आपकी बात आएगी वहाँ मैं बोलूँगी। ईशानी बोलती ठीक है बट प्लीज़ खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखो, और मैं बड़ी हुई हूँ मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। परी कहती हाँ देखा मैंने जितना अपना ख्याल रख सकती हूँ, एक इंस्पेक्टर से तो जान छुड़वा नहीं सकती जब देखो मुँह उठा के आपको घूरता रहता है। ईशानी बोलती क्या बोलूँ यार इंस्पेक्टर है वो। परी कहती तो क्या हो गया, इंस्पेक्टर है तो कुछ भी करेगा। तो परी ऐसे ईशानी पर गुस्सा करने लग जाती है, ईशानी कहती हर बार मुझ पर गुस्सा क्यों करती हो यार, चलो घर चलते हैं। तो ये लोग वहीं से टैक्सी लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। तो घर जाने के बाद इन दोनों का मुंह उतरा होता है, ये दोनों घर जाते हैं बट किसी से कुछ बात नहीं करते। पर ये जो होती है वो सीधा अपनी दी के रूम में चल जाती है, क्योंकि वो दादो को सामने नहीं जाना चाहती थी। जब वो दी के रूम में जाती है तो उसकी दी कहती वाह तो मेरी बहन मेरे रूम में, क्या बात है शानी मैम ने निकाल दिया। वो कहती दी हो गया आपका मूड ठीक नहीं यार, प्लीज़ मत करो। तो परी ऐसे बोल के लेट जाती है और ऐसे अपने सर पे हाथ रख दिया। जब उसकी दी उसके पास लेटती है कहती क्या हुआ सर में दर्द है, परी कहती हाँ सर में बहुत ज़ोर से दर्द है। तो उसकी दी ऐसे उसका सर दबाने लगती है। तो परी कहती आप कितनी अच्छी हो ना, थोड़ा ज़ोर से दबाओ ना,
तो उसकी दी कहती लगाओ मक्खन। तो उसकी दी ऐसे परी का सर दबा रही होती है। तभी परी कहती है कि दी आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसकी दी कहती मेरी लाइफ में तो सिर्फ ब्रेकअप ही चल रहा है। तो उसकी दी ऐसे बोलती है। तो परी हंसते हुए कहती थैंक गॉड आपका ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो उसकी दी कहती है तुम ना मेरी बहन होने के लायक ही नहीं है, तुम निकल मेरे रूम से। तो परी कहती है दी आपको समझ रहा होगा वो इंसान आपके लायक था ही नहीं। तो उसकी दी कहती देर से सही बेटा मुझे समझ आ गया है। परी कहती मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तो उसकी दी कहती तो परी कहती है क्या हुआ मिस करती हो उसे। तो उसकी दी कहती है कि यार किसी कुत्ते के साथ भी आप रहो ना आपको उसकी आदत लग जाती है, वो तो फिर भी इंसान था। परी कहती इंसान कम था वो कुत्ता ही था। तो उसकी दी हंसते हुए कहती है कि कुछ भी हाँ। तो परी कहती है आप उससे ज़्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। तो उसकी दी कहती हाँ पता नहीं कौन सा इंसान लिखा हुआ है मेरी किस्मत में और कब मुझे मिलेगा। पर ये कहती कभी कभी इंसान आपकी आंखों के सामने ही होता है, आप ही उसे नहीं देख पाते। उसके दी कहती क्या मतलब। तो परी कहती वो डॉक्टर बुरा इंसान नहीं है यार, ऊपर से आपको लाइक भी करता है। उसकी दी कहती कुछ भी हाँ, तुम्हें किसने कहा कि वो मुझे लाइक करता है। परी कहती किसी की कहने की जरूरत है, एक ही कॉल पे दौड़ा दौड़ा चला आ जाए आपको देखने के लिए, और क्या चाहिए। तो उसकी दी कहती कुछ भी। पर ये कहती यार सोचो तो सही, डॉक्टर है ऊपर से हैंडसम है आपको लाइक भी करता है, आपकी तो लाइफ सेट है यार, क्यों अपना फ्यूचर घटिया इंसान के पीछे जाया कर रही हो। तो उसकी दी कहती मैं नहीं हूँ अब उसके साथ, मेरा ब्रेकअप हो गया है। पर ये कहती फिर एक चांस तो दो उस डॉक्टर को, बहुत अच्छा है यार डॉक्टर ईशान बेस्ट है। तो उसकी दी कहती अच्छा इतना ही बेस्ट है तो तू क्यों नहीं उसे चांस देती। पर ये थी छी यार कैसी थी वो, छोटी बच्ची हूँ अभी मैं कॉलेज में हूँ। उसकी दी कहती हाँ हाँ कॉलेज की बच्चियाँ आजकल बॉयफ्रेंड्स रख रही हैं, वो भी दो दो, और एक तुम होगे, तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है सीरियसली, कोई लड़का तो होगा जिसे तुम पसंद कर रही होगी। पर ये थी आज तक तो कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिसे मैं पसंद करूँ। तो शाह ने कहती अच्छा सॉरी उसकी दी कहती अच्छा तो मुझे बताओ किस किस्म का लड़का पसंद है तुम्हें। तो परी कहती है कि छोड़ो दी कोई पसंद नहीं है मुझे, मेरे सर में दर्द है प्लीज़ सर दबा दो। तो उसकी दी फिर से उसके सर दबाने लग जाती है। तो ऐसे उसकी दी से कहती बताओ तो सही कोई तो होगा ना किस किस्म का लड़का पसंद है मेरी बहन को, मुझे भी तो बताओ। तो परी अब दिल में कहती अब क्या बताऊँ दी को कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता, मैं खुद ही फंस गई यार अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मार दी। तो कहती हाँ हाँ मुझे टाल लड़के पसंद है जिनकी थोड़ी बॉडी हो अच्छी पर्सनालिटी हो हाय, और जिनके बड़े प्यारे प्यारे बाल हो थोड़े घने घने बड़े बड़े मुझे अच्छा लगता है, जो खुद को हर टाइम टिप टॉप रखता परफेक्ट। मुझे ना लाइक जिम विम जाने वाले लड़के पसंद है, यू नो बॉडी शोडी अच्छा लगता है यार। तो ऐसी दी से बातें कर रही होती है और ईशानी जो होती है वो रूम से सब सुन लेती है, रूम के बाहर ही खड़ी होती है। तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पहले वो अंदर आती है ऊपर से बात करने के लिए, बट अब बाहर चली जाती है जब ये सब सुनती है। तो वो रूम में जाके बैठ जाती है। उसकी दादो फिर से उसे मना रही होती है कि चलो चलो चलो, और ईशानी के दिमाग में तो ये सब बातें चल रही होती हैं। तो ईशानी कन्फ्यूज हो जाती है, कहती है कि कहीं सच में परी को लड़के तो नहीं पसंद, कहीं मैं सिर्फ उसकी अट्रैक्शन तो नहीं उसके लिए। तो यही सब सोच रही होती है तभी उसकी दादो उसका हाथ पकड़ती है, कहती बेटा तुम सुन भी रही हो मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ। ईशानी कहती हाँ हाँ ठीक है सुन लिया मैंने, बट ईशानी ने कुछ नहीं सुना होता। और ईशानी वहाँ से बाहर चल जाती है। तो दादो खुश हो जाती है कि ईशानी मान गई जाने के लिए। वो अपनी बहन को फ़ोन करती है और कहती है कि ईशानी मान गई है आने के लिए ना, हम बस दो दिन बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे। और परी जो होती है वो ये सब सुन लेती है, अब वो आई थी ईशानी से बात करने के लिए वो ये सब सुन लेती है। वो समझती है कि शायद वाकई ईशानी ने हाँ कर दी, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो रूम में आती है और कहती है क्या सच में ईशानी मैम ने हाँ कर दी। तो उसकी दादो कहती है कि हाँ अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, अच्छा हुआ कि तुमने सुनी लिया, मैं सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी ईशानी मैम अब तुमसे दूर जा रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, एक बार वो यहाँ से चली गई है मेरे साथ फिर मैं उसे वापस कभी नहीं आने दूंगी। और ऐसे बोल के दादो बहुत खुश होती है। परी रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है और वो कहती है कि ईशानी मैम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उन्हें पता है मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ फिर भी वो मुझे छोड़ के जा रही है, मैंने उन्हें बोला था मुझे छोड़ के ना जाए, वो ऐसे कैसे कर सकती है यार मेरे साथ। तो परी ऐसे बोल के बहुत रोती है। और वहाँ दूसरी तरफ ईशानी के दिल में ये बात बैठ चुकी होती है, कहीं ना कहीं घर घर जाती है कि परी को बॉयज़ में इंटरेस्ट है। फिर ईशानी उसके लिए क्या है जब उसे है ही बॉयज़ पसंद, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने परी के मुंह से खुद ये बात सुनी थी, इसलिए उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। और वो ऐसे ही टेरिस पर जाके खड़ी हो जाती है और सोचने लग जाती है। और तभी मतलब उसके ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके दिमाग में ना बहुत सारी टेंशन चल रही होती हैं।
ईशानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पहले उसे इस बात का कंफर्म था कि परी को बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट अब ये बात सुनकर उसे लगता है कि शायद हाँ उसे है। तो कहती है अगर उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है तो फिर मेरे साथ क्या कर रही है वो, उसका और मेरा रिलेशन है क्या। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और परेशानी को वो बात याद आती है कि परी ने उससे शादी करने से भी मना कर दिया था। तो फिर वो सोचती है कि कहीं दादू सच तो नहीं कहती, कहीं सच में परी को मुझसे शादी करनी ही नहीं है, उसे एक लड़के से शादी करनी है, क्या वो मुझे छोड़ना चाहती है। तो ईशानी के दिल में ये सब बातें चल रही होती है, उसके दिमाग में ये सब बातें घुस चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो काफ़ी देर तक ऐसे टेरिस पे खड़ी रहती है और वहाँ परी भी रोते हुए ऊपर टेरिस पे आती है और वो देखते हैं कि वो परेशानी मैम है। तो वो ऐसे जाने लगती है, तभी ईशानी पीछे की तरफ टर्न होती है और कहती है कि परी तुम आओ। तो परी भी ऐसे ईशानी के पास जाके खड़ी हो जाती है और दोनों ऐसे ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी ईशानी ऐसे अपनी नज़रें ऊपर उठाती है और परी की तरफ देखती है और परी के फेस को टच करते हुए कहती है कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ईशानी इतना ही बोल के बस वहाँ से चली जाती है और परी को इस बात का मतलब नहीं समझ आता कि वो बोलना क्या चाहती है। और ईशानी के जाने के बाद परी कहती है कि अगर मेरी खुशी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मुझे छोड़ने की बात नहीं करती। वो उन्होंने हाँ कैसे कर ली मुझे छोड़ने के लिए, क्या बस इतना ही प्यार था मुझसे। तो परी ऐसे बोल के फिर से रोने लगती है और वहाँ ईशानी भी रूम में चली जाती है और वो ऐसे खुद पे ब्लैंकेट डाल लेती है और अंदर ही अंदर बहुत रो रही होती है, उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो इनके बीच आ गई थी, इन दोनों इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ईशानी अपने रूम में रहती है और परी अपने रूम में आती ही नहीं है, वो उधर ही दी के रूम में वापस चल जाती है और उसकी आँखें ऐसे सूजी होती है जब वो दी के रूम में जाती है। तो उसके दी कहती है क्या हुआ तुम्हारी आँखें इतनी सूज कैसे गई, क्या तुम रो रही थी। तो परी ऐसे अपनी दी को हक करते हुए कहती है कि दी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जिस इंसान को चाहती हूँ मुझसे दूर क्यों चला जाता है। तो उसकी दी कहती है ये रोना बंद करो, क्या बोल रहे हो, किसी को पसंद करती हो क्या तुम। तो परी ऐसे नाम से रिलाती है। तो उसकी दी कहती सच बताओ, तुम्हारी आंखों को देख के लग रहा है तुम किसी के लिए रोई हो, किसके लिए, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मुझे हर एक बात बतानी होगी, बताओ मुझे। ऐसे बोल के परी को बैठाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती बताओ। तो परी कहती कोई नहीं है यार, कोई भी नहीं है, अकेली हूँ मैं, बट आई विश कोई होता हमेशा मेरे साथ, बट कोई है ही नहीं। तो परी ऐसे बोल के रोने लगती है। तो उसके दी उसे हक करती है, कहती मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, हाँ क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ। तो परी कहती आप समझ क्यों नहीं रही, मैं कैसे बताऊँ, हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होना ही चाहिए जो उसे प्यार करे, उसे छोड़ कर कभी ना चाहे, और मैं भी तो बस एक ऐसे इंसान चाहती हूँ, भगवान मुझे वो इंसान क्यों नहीं दे रहे, क्यों। परी ऐसे बोल के रोती है। तो उसके दी उसे चुप करवाती है और कहती है कि ओके रिलैक्स, देखो जो तुम्हारी एज है ना, आई नो इस एज में हर लड़की को कोई स्पेशल इंसान चाहिए होता है जो उसे स्पेशल फील करवाए, उसके साथ रहे, ये हर एक लड़की की डिमांड होती है। बट सीरियसली आज मैं तुम्हें हर सच बात बताऊंगी, जो भी बताऊंगी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, मुझे भी एक स्पेशल इंसान चाहिए था जो मुझे स्पेशल फील करवाए, हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे बच्चों की तरह प्यार करे, बट ऐसा नहीं होता। पता है सिर्फ एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो आपकी हर एक डिमांड पूरी करता है, जो आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है, जो आपको शहजादी जैसा फील करवाता है, हमें बस उस इंसान के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन हम वेट ही तो नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि बस हमें वो इंसान अभी मिल जाए, और सिर्फ उस इंसान को ढूंढने के चक्कर में हम बहुत गलतियाँ करते हैं, हम कुत्ते कुत्ते लोगों को मुंह लगा लेते हैं ये सोच के कि शायद यही हमारा वो मिस्टर परफेक्ट होगा, बट हम गलत करते हैं। हमारा मिस्टर परफेक्ट जो भी होता है ना, वो हमें एक ना एक दिन मिल ही जाता है, हमें बस उस इंसान का वेट करना चाहिए। परी कहती है कि वेट, अब तो बस वेट ही रह गया है ज़िंदगी में। तो उसकी दी को उसकी बातें कुछ अजीब लगती है, क्योंकि परी कुछ ऐसी बातें कर रही होती है जैसे एक हार्ट ब्रोकन लड़की बात करती है। तो उसकी दी उसे देखती है, कहती सच बताओ किसी लड़के को पसंद करती थी तुम, क्या किसी लड़के ने के साथ रिलेशन में थी, देखो सच बताओ मुझे, झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। परी कहती दी प्लीज मुझे तंग नहीं करो, किसी लड़के के साथ मैं रिलेशन में नहीं थी, प्लीज़ आप बस कर दो, हाँ जोड़ती हो पहले मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
तो परी ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती है ऊपर ब्लैंकेट लेके और बस रोती रहती है। उसकी दीदी नोट कर लेती है कि कुछ तो है जो परी छुपा रही है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या परी और ईशानी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या इन्हें अलग कर देगी, क्या दोनों एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। सो गाइस जो भी होगा वो सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। एंड हाँ गाइस, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके टाटा बाय बाय।